Kill me like a Hellcat. शाशी को फ्लावर्स देके एक पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो, तो हम लोग मूवी देखने चलेंगे बिकॉज वो दो कपल टिकट्स खरीदा हुआ होता है। शाशी से मना कर देती है और भाई शाशी से ज़्यादा एक्साइटेड तो मिस चाय होती है। उनका रिएक्शन देखने लायक था भाई। आखिरकार फिर हमें दिखाया जाता है जो फेंगलिन रहता है वो शाओसी को एक क्यूट स्माइल लेके जाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है क्योंकि वो आजकल ऐसा हरकत करता नहीं है। उसके जाने से पहले शाओसी उसे रोकती भी है बट वो नहीं सुनता एंड जाने टाइम फिर से कर्टन्स में फंस जाता है एज वेल एज आने टाइम जिस तरह से फंसा था। उसके जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर फेंगली आ जाता है एंड मिस्टर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है कुछ सामान खरीदने। वो उसे कहते हैं कि आ हम लोग तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढे जो हम लोग उस दिन नहीं ढूंढ पाए थे, जहाँ पर वो उसकी ड्राइंग बनाता है कि तभी शाओशी उसे मना करती है बट वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ बस। उसके बाद तभी फेंगलिन का मैसेज आता है कि उसे अपनी कंपनी में 1000 कप कॉफ़ी को डिलीवर करना। वो मिस चाय से पूछती है बट मिस चाय उसे कहती है कि तुम ही करो, जहाँ पे वो फेंगलिन को अपने साथ ले जाती है अपनी हेल्प कराने के लिए एंड भाई वो दोनों का हालत जो ख़राब होता है देखने लायक था। वो सबको डिलीवर करने के बाद फाइनली फेंगलिन के पास जाती है एंड सबको कॉफ़ी के कप डिलीवर कर देती है, जहाँ पे वो सिर्फ कहता है कि बाकी के जो पैसे बचे हुए हैं वो मैं किसी और कंपनी से ले लूँगा और जितने पैसे तुम्हें दिए हैं वो तुम रख लो। वो उसे कहते हैं कि काम का चीज़ काम से मतलब रखना है एंड वो उसे पूछते हैं कि आपने 1000 कप्स ऑफ कॉफ़ी मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बनाया था, जब वो कहती है कि मेरे पास ह्यूमन की तरह फीलिंग नहीं है, मैं एलियन हूँ और मैं गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ आपकी। जहाँ पर फ्रेंडलिंग उससे कहता है कि अगर मैं समझ गया कि तुम्हें मुझसे इरीटेटिंग होता है, बाहर जाकर शाशी सोचती है कि नहीं मैं तुमसे इरीटेट नहीं होती हूँ। अब मैं फेंगलिंग से तो पट रही तो सेक्रेटरी खाली आ गए हैं बीच में कुछ करने के लिए। वो शाशी को कपल मूवी का टिकट देते पर शाशी एक्सेप्ट नहीं करते, जहाँ पे वो जो एक्टिंग करते भाई इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करता है ना, बहुत इमोशनल अत्याचार करते हैं कि फेंगलिंग को बीमारी हुई है एंड ये सब फिल्म के शाशी भी फेंगलिंग के लिए थोड़ा वरीड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगलिंग के फादर को पता चल जाता है कि उसकी कोई बीमारी है एंड वो फेंगलिंग से पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की बीमारी है, तुम अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास क्यों गए थे और मुझे सारी बात बताओ। जहाँ पर फेंगलिंग कुछ कहने ही वाला होता है कि उसके पास शाशी आके कह देती है कि भाई मेरे लिए गया था ये, मेरे लिए तब मेडिसिन लाने गया था ये क्योंकि मैं बीमार थी। जहाँ पर उसके पैर पूछते हैं अब भाई ये कौन है, जहाँ पर पूछते हैं मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ एंड दैट फ्रेंड जो स्टेप मदर का भाई है एंड फ्रेंडली भी उन दोनों का साथ देने लगता है। जहाँ पे स्टेप मदर फ्रेंडली की कुछ आग लगाने का काम करती है, जहाँ पे फ्रेंडली कहता है कि एक तो पहले से आग लगी हुई आप उसमें और घी डाले जा रहे हो एंड दैन फिर वहाँ पे फ्रेंडली का जो स्टेप फादर होता है वो उसे कहते हैं कि मैं शाशी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जहाँ पे वो उसे गुस्से से चले जाता है। फ्रेंडली शाशी से इसकी रीज़न पूछता है, जहाँ पे शाशी कहती है कि मुझे सेक्रेटरी खाने में कहते हैं कि तुम बीमार हो एंड मैं तुम्हारी ही हेल्प कर सकती हूँ, मैं ही जो पर्सन जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एंड दैन फिर वो उसे कल रात के ड्रामे के बारे में बताती है एंड दैन फिर वो उसके बाद मान भी जाता है। दैन हमें पता चलता है कि फेंगलिन की स्टेप मदर अपने भाई से पूछती है कि तुमने फेंगलिन और शाशी का साथ क्यों लिया। वो कहते हैं कि आप थोड़े दिमाग से सोचें क्योंकि अब तो वो दोनों रिलेशन में आ गए, तो अब हम शाशी का हेल्प लेकर के फेंगलिन को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे अपना काम करवा सकते हैं। जहाँ पे फिर वो इतना कह के वहाँ पर से चले जाते हैं। उन दोनों की ये बातें फेंगलिन भी सुन लेता है एंड दैन फिर तुरंत फेंगलिन को इन्फॉर्म करने जा रहा होता है। तभी वो चांगशी के साथ आता है, जहाँ पर चांगशी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता फैमिली तुम्हारे लिए सही है। जहाँ पे वो उससे फिर से बोलता है कि क्योंकि बहुत ही उसके अराउंडिंग में बहुत से अजीब लोग रहते हैं, जहाँ पे
रवि जमशेद कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरी फीलिंग्स क्या है, एंड वहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है। फिर मैं शशि को अपने घर ले जाता है एंड अपने घर में अपनी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि वो उनके सामने कैसे जा पाए। एंड देन फिर उसे शॉपिंग कराने ले जाता है एंड एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस को खरीद देता है, जहाँ पर वो जैसे देखते रह जाते हैं बिकॉज हमारी फ्रेंड हमारी शशि तो इतनी सुंदर देख रही होती है। एंड देन फिर वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पे फ्रेंड का डैड तो शशि को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं उस लड़की को ज़िंदगी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जहाँ पे फिर बाहर बैठी हुई शशि को उस फ्रेंड के स्टेप में अंदर आग लगाने की कोशिश कर रही होती है, मतलब मैं शशि का कोई भी रिएक्ट नहीं रहता क्योंकि फ्रेंड उसे बहुत अच्छी तरह से समझा के लाया था। दर वो बाहर आता है एंड फिर वो शशि से कहता है कि हमारे डैड तो हमारे रिलेशन एक्सेप्ट करने से मना करते हैं और उन्होंने कहा है कि हमने अपने रिलेशन को पब्लिक में नहीं करना। जहाँ पर शशि कहते हैं तो टेंशन की क्या बात है, ऐसे भी हम लोग रिलेशनशिप फेल है एंड वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हमें देखते हैं कि शशि की हिंट की वजह से जो शशि है ठीक से नहीं चल पा रही होती है, जहाँ पे वो से जाता है एंड फिर से वो गोद में उठा लेता है। जहाँ पे शशि उसे उठाने के लिए कहती है एंड कहती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, जहाँ पे वो कहते हैं बिकॉज तुम्हें गर्लफ्रेंड हो और अब तो मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एंड गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक भी कर लेना एंड गाइस